कभी बारिश आने से ये पूरा नीचे जा सकता है अब कभी भी। हम जा रहे हैं रिस्क लेके पहाड़ पे बिकॉज बारिश रुकी है तो पूरा लैंडस्लाइड हो रखा है, तो आपको दिखाएंगे बारिश के बाद कैसा लैंडस्लाइड होता है। हमारी रोड पे जाएंगे जहाँ हम जाते हैं ना कैंपिंग वगैरह करने के लिए, वहाँ पे जाएंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो, पूरा पहाड़ नीचे आया हुआ है। उल्टा ट्रैक्टर चला रहे भाई, इतनी खतरनाक रोड पे उल्टा ट्रैक्टर। डर के आगे जीत है, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। रोड फटी पड़ी देखना, और यहाँ से लेके पूरी वहाँ तक, और कभी बारिश आने से ये पूरा नीचे जा सकता है कभी भी। हम पेड़ देखते हैं ना, ये सामने पेड़ है, इस पेड़ की हाइट देखो कितनी होगी, ज्यादा ज्यादा होगा 15-20 फीट की हाइट होगी ना पेड़ की, समझ रहे हो। बट उसकी जड़ देख भाई, नीचे देख कहाँ तक आ रही है। जड़ देखो भाई इसकी, ये जो पेड़ है इतना सा पेड़ है लेकिन इसकी जड़ पेड़ से भी बड़ी है, यहाँ से देखो पूरी नीचे तक आई हुई है। तो मेरा मेन पर्पज जो बताने का है ना वो क्या है मालूम, कि भाई ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाओ, ये जड़े जो होती है इस पहाड़ को पकड़ती है, मजबूत करती है, इसलिए कहते हैं कि पेड़ मत काटो, ये रीजन है मेनली। बात तो सही है, इतनी जड़े है ना ये, ऐसे सब जड़े जब इसकी फैलेंगी तो ये रॉक को पकड़ेंगे, मिट्टी को पकड़ेंगे, रॉक को पकड़ेंगे, तो उससे लैंडस्लाइड नहीं होगा, इसलिए पहाड़ों में ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए। अपने लापरवाही का नतीजा है।